ये तो जग जाहिर है कि अगर औलाद लायक हो, खुशियां बांटना जानती हो, तो माँ बाप का जीवन स्वर्ग बन जाता है। परंतु अगर औलाद नालायक निकले तो माँ बाप का जीवन नर्क बन जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सुधा चंद्र और एक बार फिर दिल को दहला देने वाली एक नई कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ। वैसे देखा जाए तो दीपिका भार्गव का जीवन किसी पहाड़ से कम नहीं था। एक तरफ उसके पति की मौत हुई थी, तो वही दूसरी तरफ उसकी दो जवान बेटियां, ऊपर से अनिता जैसी बेटी जिसने जिंदगी को कभी गंभीरता से नहीं ली, जिसकी पीड़ा पूरे परिवार वालों को सहनी पड़ रही थी, और आज वो लापता हुई। बुरी आदतें, बुरे विचार इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ले जाते हैं, जहां गलत रिश्ते बनते हैं और उसके बाद कुछ भी सही नहीं होता। अब सवाल ये है कि अनिता भार्गव कहां गई। दीपिका ने शिकायत की और पुलिस ने छानबीन भी शुरू कर ली, लेकिन अनिता की खोज में हर रोज एक नई कहानी उनके सामने आएगी, इसकी उम्मीद पुलिस ने कभी नहीं की थी। हर पल अनिता की कहानी में नए किरदारों की एंट्री। सर, कुछ पता चला? सर हाँ सर, वो लड़की का नाम अनिता भार्गव है, उसकी माँ दीपिका भार्गव और उसकी छोटी बहन साक्षी का बयान हमने ले लिया। सर, कल सुबह घर से निकलते वक्त कही थी कि साथ में खाना हम लोग खाएंगे शाम का, लेकिन सर वो रात को फिर आई नहीं, और रात को 11 बजे के बाद उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। नमस्ते साहब। नमस्ते, प्लीज बैठिए। साहब, मेरी बेटी ना कल रात से घर नहीं आई है। मिसेस भार्गव, देखिए आप ऐसे घबराएंगी तो कैसे चलेगा। देखिए आप प्लीज रोइए मत, पानी पीजिए। वो मेरी बेटी। इसका भूत का सर, मुझे लगता है कि ये टेम्पो वाला झूठ बोल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने कुछ अनिता के साथ गलत किया और उसके बाद फिर उसका मर्डर? आवाणी, इस डाउट को इग्नोर नहीं किया जा सकता कि शायद अनिता भार्गव अब इस दुनिया में ही ना हो। तो मुजरिम यकीनन इन पांचों में से कोई एक है, कोई ऐसा जिसके पास अनिता को मारने का स्ट्रांग मोटिव भी। पाणी जी, सर वो झुमका लेकर आओ जो हमें सुरेंद्र के फार्म हाउस से मिला। सर, ये झुमका शायद मुजरिम का पता बताए। वो तो बताएगा पांडे जी, लेकिन उससे पहले इस झुमके का पता लगा। ठीक है सर। हमारे पास कई एड्रेस क्या है आपका? बोले पांडे जी। सर, झुमके खरीदार मिल गया है और उसका नाम और पता भी। गुड, तुम जल्दी पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। ये तो मेरा झुमका है, दूसरा कहाँ है? यही तो हमें आपसे जानना है कि दूसरा झुमका किधर है। देखिए सुगंधा जी, आप घबराइए मत, हमें पता है कि आपके पति सुमित के संबंध उनकी एक्स वाइफ अनिता के साथ आपकी शादी के बाद भी थे। जाहिर सी बात है कि आपको तकलीफ हुई होगी, कई हफ्ते बीत चुके हैं, अनिता का कुछ पता नहीं चला। जो कुछ भी आप जानती हैं सब कुछ साफ साफ बताइए, कहाँ है दूसरा झुमका? सर, पांडे जी, अनिता के गायब होने में बहुत से तार जुड़ रहे हैं, सुरेंद्र, सुमित, मेनका। एक काम करो, मेनका को पूछताछ के लिए बुलाओ, मैं पहुंचता हूँ। सर मेनका, उस तरफ। सर ये देखिए, किसी पे शक? सर
सर ये अनीता के फोन रिकॉर्ड्स। सर जिस दिन अनीता गायब हुई उस रात 8 बजे तक मेनका के कुल 12 फोन कॉल है, जिसके जवाब में अनीता ने 3 कॉल किए। अनीता को फोन ट्रेस हुआ? जी सर, अनीता के मोबाइल पर रात 11 बजे उसकी माँ का फोन आया, उसके बाद फिर रात को 12 बजे के बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। और सर लास्ट लोकेशन के हिसाब से उसका मोबाइल पंजीम में शो कर रहा। पंजीम? जी। मतलब गोवा? इसका मतलब है कि अनीता गोवा गई है। लेकिन सवाल उठता है किसके साथ, क्यों? पांडे काम करो, ये मेनका पे नजर रखो। ओके सर। ठीक है। सर सर आप ये क्या कर रहे हैं, वो मर जाएगा। सर वो अभी बेहोश हो गया है। तो ठीक है, जब होश में आएगा दोबारा पूछताछ शुरू करना। ठीक है। ओके सर। अच्छा सुनो। हाँ सर। तब तक इन्हें लेके जाओ। मतलब मैं क्यों, मैंने क्या किया? सादिक साहब मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ। आवाज नीचे, इससे पहले पांडे जी तेरी इज्जत उतार दे। चुपचाप इज्जत के साथ जो पूछा जा रहा है वो बोल। चल शुरू हो जा। सुमित के साथ मेरी दोस्ती एक पार्टी में हुई थी, तब अनीता के साथ मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था। उसके बाद भी उसके साथ मेरा उठना बैठना चालू था, और सुमित के साथ मेरी मुलाकात अनीता ही करवाई थी। उसके बाद सुमित को जब ये बात पता चली।